दे रहा हूं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ है कि कोई मुल्क आपका वीजा रिजेक्ट नहीं कर सकता। गोरा सोचता क्या है, मैं 17 ईयर की उम्र से जब से बाहर, इन माइंड कोई करोड़ों अरबों की स्टेटमेंट नहीं चाहिए आपको। पाकिस्तानी स्टूडेंट का डिस्काउंट देती है जनरली 2000 पाउंड, 3000 फॉर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज, ठीक है, पेमेंट के ऊपर 75,000 रुपए मुझसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। मोस्टली लोग जो जाते हैं स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज, वो लोग लंदन के अंदर करंटली बता रहा हूँ कि 1300 पाउंड पर रिटर्न के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना उनको आपको लाख रुपए देने की। वीजा मेरा आज तक कभी रिजेक्ट नहीं हुआ कहीं पे, वीजा रिजेक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा अपना स्टूडेंट एक्सपीरियंस यूके से रिलेटेड, ठीक है। मैंने जैसे बात की थी अपनी लास्ट वीडियो में कि इंशाल्लाह मैं आपको अपने स्टडी एक्सपीरियंसिस के बारे में उस जर्नी पे लेके चलूंगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो दो स्टेप पे मैं बात करूंगा, पहले अपने एक्सपीरियंसिस, देन आपने अब अगर यूके जाना है तो आपने वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे करने हैं जो मैंने किए थे, ठीक है। तो 2015 अप्रोक्सीमेटली आई थिंक ईयर होगा जब मैंने सोचा कि मैं यूके से मास्टर्स अपना कंप्लीट करूं। देन मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने जो है ना सर्चिंग शुरू की कि मुझे मतलब यूनिवर्सिटीज मेरा टारगेट था। कुछ लोगों का कंट्री टारगेट होता है, कुछ का यूनिवर्सिटीज टारगेट होता है। तो मैंने अपने रैंकिंग और अपनी मतलब थॉट प्रोसेस के हिसाब से, मतलब यूनिवर्सिटीज की जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है उससे रिलेटेड मुझे दो अच्छे इंस्टीट्यूट मिले यूके के अंदर और आयरलैंड के अंदर। मैंने दोनों में अप्लाई किया, मुझे यूके वाली यूनिवर्सिटी से जवाब आया। मैंने अप्रॉक्सीमेट आई थिंक अप्लाई किया था नवंबर और दिसंबर के अंदर, और फरवरी तक मुझे जो है ना उसका जवाब आ गया था। अप्लाई करने के अंदर जो 3-4 मेन चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी फाइंड आउट कर लेनी। यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करके मैंने उनके पेज पे जाके एडमिशन, मतलब अपना पर्टिकुलर जो स्कूल है, मेरा बिजनेस स्कूल था, उसके अंदर उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जनरली अगर आप मास्टर्स लेवल तक हैं तो जो मेन ट्रिगर करता है एडमिशन में वो करता है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर वो आपने अच्छी लिखी है तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है। ये डिफरेंट है जो कि लोग रिसर्च बेस्ड डिग्री पे जा रहे हैं उनके लिए सेपरेट क्राइटेरिया, वो मैं बाद में बात करूंगा, लाइक PhD एंड ऑल। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैंने लिखा, मैंने IELTS पहले कर लिया था क्योंकि ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड। तो वैसे आपको ये बताता चलूँ कि मतलब IELTS जिन्होंने पहले इंग्लिश स्टडीज की हुई जैसे कि मैंने की हुई है, मैं IELTS ना भी करूँ मुझे बगैर IELTS के एडमिशन मिले हैं बेस्ड ऑन द लास्ट डिग्री। अगर आपने या तो आपके पास नेशनलिटी है किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की, या आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से अगर डिग्री है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, US, कैनेडा, तो आपको नेक्स्ट कंट्री में ये रिक्वायरमेंट वेव ऑफ हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है ना रिकमेंडेशंस मास्टर्स लेवल तक के बड़े ही बेसिक्स, मतलब रिक्वायरमेंट जरूर है लेकिन इतना वो वेटेज नहीं जाती उसके अंदर के वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रहेगा। तो मैंने ये सारे स्टेप करके मैंने यूनिवर्सिटी का एडमिशन अप्लाई कर दिया। अब यूनिवर्सिटी की जो फीसिस हैं, जनरली अगर आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो आपको मतलब एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो कि मतलब अच्छे लोग जा रहे हैं, एक होती है कंट्री वाइज स्कॉलरशिप, मीन्स यूके मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने एक्सपीरियंस से कह दूँ कि 90% प्लस कैटेगरी में हर यूनिवर्सिटी एक बेसिक पाकिस्तानी स्टूडेंट का डिस्काउंट देती है, जनरली 2000 पाउंड, 3000 पाउंड, जो कि कंसल्टेंट आपको नहीं बताता है, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट जाओगे, जो कंसल्टेंट का अपना शेयर होता है, जब अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करने जाओगे तो यूनिवर्सिटी वो डिस्काउंट आपको दे देती है, ठीक है। तो वो अब आपको मिल गया डिस्काउंट, अप्लाई किया मैंने। मेरे केस में मैंने टोटल फीस ऑलरेडी एडवांस में यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दी थी। उस टाइम पे पाउंड का रेट बहुत ज़्यादा अच्छा था, पाकिस्तानी रुपया थोड़ा स्ट्रांग था। तो मैंने जब 100% उनको पे किया तो उन्होंने मुझे कैश इशू कर दिया। कैश होता है कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज, ठीक है। जनरली हर मतलब नॉर्मली 3000-4000 पाउंड जो भी आप उनको बेसिक आपको यूनिवर्सिटी ने कहा आप उनको पेमेंट सेंड करते हैं। मैंने उस टाइम पे पाकिस्तान से जब पेमेंट सबमिट की JS बैंक के थ्रू, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरी पेमेंट के ऊपर 75,000 रुपये मुझसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टैक्स लिया। अब वो टैक्स क्यों लिया, कि मैं बाहर स्टडीज के लिए जा रहा हूँ। हालांकि ऑन द कॉन्ट्ररी ऑपोजिट मेरे जो क्लास फेलो लाइक मतलब चाइनीज, मलेशियंस और जो अदर कंट्री से लाइक US से भी था, कनाडा से था, जो मोस्टली लोग जो जाते हैं स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज, वो लोग
सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई तुम अगर बाहर जा रहे हो तो देन यू विल लर्न स्किल्स, वापस आके आप अपने मुल्क में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ इसके अपोजिट है, ठीक है, मैंने अपनी जेब से टैक्स दिया, खैर पहुंच गया मैं वहां पे, अप्लाई किया, मुझे आ गया मतलब कंफर्मेशन, देन मैंने नेक्स्ट स्टेप होता है वीजा प्रोसेस करने का। सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा एडमिशन करने पे भी, यूनिवर्सिटीज रैंकिंग कैसे चेक करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, सारा कुछ, ये मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। अच्छा, वीजा यहाँ से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, कंपाइल करके एक फाइल बना के यूके एम्बेसी में सबमिट कर दी, गैरिज के थ्रू जो लाहौर में है वहाँ से सबमिशन हुई, देन हमारा जो है ना मतलब मुझे अब याद नहीं है वैसे स्टेटमेंट के बारे में है, 28 कंसेक्यूटिव डेज से ज़्यादा पेमेंट ना पड़ी हो। और जो स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है, कीप इन माइंड कोई करोड़ों अरबों की स्टेटमेंट नहीं चाहिए आपको, क्लियरली जो भी गवर्नमेंट है स्पेसिफिकली यूके गवर्नमेंट की जब आज हम बात कर रहे हैं वो मेंशन करते हैं जितनी आपकी फीस बकाया बचती है पेमेंट करने के बाद, ठीक है। अगर मैंने जैसे 100% पे कर दी तो मेरा फीस वाला क्लॉज खत्म हो गया, देन रह गया खाने पीने का। जैसे कि लंदन के अंदर करंटली बता रहा हूँ कि 1300 pounds पर मंथ और आउटसाइड लंदन अराउंड 1000 pounds पर मंथ आपको चाहिए होता है और 9 महीने के आपने पैसे दिखाने हैं। तो बेसिकली लेट्स सपोज आप लंदन से बाहर जा रहे हैं, 1000 के हिसाब से आपको 9000 pounds की स्टेटमेंट चाहिए अगर आपने अपनी फीसें ऑलरेडी पे कर दी हैं 100%। इससे ज़्यादा आपको कोई पैसे नहीं चाहिए, मोर और लेस आप थोड़ा सा मतलब 50,000-1,00,000 rupees एक्स्ट्रा रख सकते हैं ताकि वो करेंसी डिफरेंस का फर्क ना आ जाए। ये भी मैं वीजे वाली में बताऊंगा कि आपने डिफरेंस चेक कौन सी वेबसाइट से करना है या कौन सा ऑफिशियल सोर्स होता है। बेसिकली कंसल्टेंट सब, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे वो वाली, तो कंसल्टेंट के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना उनको आपको 1,00,000 rupees देने की जरूरत है। जो काम उन्होंने करना है वो मैं आपको पहले बता दूंगा, इंशाल्लाह वीजा मेरा आज तक कभी रिजेक्ट नहीं हुआ कहीं पे। और मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी वीजे अप्लाई किए हैं घूमने फिरने ये वो इधर उधर जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं का रिजेक्ट नहीं हुआ। और मैंने ये यूके वाला वीजे, हर स्टडी वीजे, हर चीज मैं खुद करता हूँ, ठीक है ना। मतलब जब पहले प्रॉब्लम ये होता था, आज से 10-20 साल पहले चले जाएं आपके, मतलब इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है, लोगों को पता नहीं लगता था। अब इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल, और जो लोग इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे उनके लिए फिर हम लोग आ गए ना, अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया, हम आपको समझा रहे हैं, आपको कोई कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं विजिट वाली भी जाऊंगा सेपरेट वीडियोज, जैसे मैं ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट के अंदर तो घूम चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं हर कंट्री वाइज कैसे वीजा अप्लाई किया वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और स्टेप कैसे करने होते हैं। अच्छा, और गोरा सोचता क्या है, मैं 17 ईयर की उम्र से जब से बाहर, मतलब मेरा इंटरेक्शन है, मैं फिर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, दोस्तियाँ हैं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, तो गोरा जो चाहता है अगर आप उसको वो देंगे, वीजा रिजेक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर वो रेफरेंस दे रहा हूँ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ है कि कोई मुल्क आपका वीजा रिजेक्ट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि उनके पास कोई क्लैरिफिकेशन, कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं है। इसीलिए अगर आप अपने तजर्बे में या जिन लोगों ने अप्लाई किया और अगर उनका रिफ्यूजल हुआ है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता मुझे एम्बेसी ने पेपर नहीं दिया, मुझे लिख के नहीं कहा कि ये रिजेक्ट हो गया है। तो अगर देखें, वीजा रिजेक्ट करने के लिए उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनको वो वजह ढूंढनी है कि हम रिजेक्ट किन बेसिस पे करें, ठीक है। तो ये जब आप साइकी अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना कि वीजा ऑफिसर क्या चाहता है, आप उसको कोई ऑन पेपर नहीं देते, देन वर्बली जितना मर्जी वो सोचता रहे, उसकी मर्जी है नहीं है उसकी मर्जी, वो वीजा रिजेक्ट नहीं कर सकता आपका, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब यहां पे हमारे कंसल्टेंट क्या करते हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं उन्होंने खुद तो कभी स्टडी करने गए नहीं, मेजोरिटी में, सबकी बात नहीं कर रहा, मैं भी हूं उसके अंदर, जो मोस्टली कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, और अगर कोई एक आधा गया भी होगा जिसने काम शुरू किया, आगे उसने जो कंसल्टेंट्स रखे हुए हैं अपने ऑफिस स्टाफ, वो कहीं पे स्टडी करने खुद तो गए नहीं है, उन्होंने कभी वीजा अप्लाई नहीं किया, उनको पता ही नहीं है कि गोरा चाहता क्या है। मतलब उन्होंने फाइल जरूर तैयार की है, उन्होंने एक जेनेरिक बात की है कि ये 4 चेकलिस्ट है जो चाहिए होती है, उन्होंने करके भेज दी, लेकिन एवरी केस इज डिफरेंट, ठीक है। SOP जब आप लिखते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, इसी तरह से आप सिवाय अमेरिका के, अमेरिका की कहानी डिफरेंट है, मैं बाद में बताऊंगा उसका वीजा प्रोसीजर क्या होता है। यूके के हिसाब से जो हम बात करें उसमें आप वीजा ऑफिसर के नाम एक लेटर लिखते हैं,
ठीक है, जिस तरह से यूनिवर्सिटी एडमिशन में वो एसओपी किरदार अदा करता है, इस तरह से वो वीजा ऑफिसर के नाम लेटर किरदार अदा करता है। वो मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा, उसके पॉइंट्स भी हाईलाइट करूंगा कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर वो फोकस करता है। तो उसमें आप अगले को समझाते हैं क्योंकि ये मेरी बैकग्राउंड है, ये मेरे इंडिकेटर्स हैं, ये मेरी रीजंस हैं और इसलिए मैंने यहाँ पे जाना है और तुम मुझे इस वजह से वीजा दो, तो उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिलती। ठीक हो गया, अब वीडियो होगी है काफी बड़ी, तो अब मैं काम करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, अब यहाँ से भी वीजा अप्लाई हो गया, ठीक है, वीजा आ गया, वीजा आने के बाद वहां पहुंचने के बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या है, पोस्ट स्टडी वर्क एक्सपीरियंस कैसे, ये वो सारा कुछ जॉब रिलेटेड हर चीज मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।